हाय एवरीवन, मार्किंशिया में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और मार्किंशिया एक डायोशियस प्लांट है, इट मींस एक लिंगाश्री पादप है, और इसमें ओगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। विषम युग्म की लैंगिक जनन पाया जाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स पर कुछ शाखाओं पर जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं उन पर बनते हैं, जिन्हें हम एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। इन एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर का स्ट्रक्चर मेन थैलस का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा ही एज इट इज सेम स्ट्रक्चर होता है। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से एंथ्रीडियोफोर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एंथ्रीडियोफोर का LS है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, और इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि जो एयर चैम्बर्स हैं वो एयर चैम्बर्स किस तरीके से एंथ्रीडिया की जो कैविटीज़ हैं उनके अल्टरनेशन में लगे हुए हैं। यहाँ एक एयर चैम्बर है, उसके बाद जो कि एयर पोर से खुल रहा है, इसके बाद में ये पूरा एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर कि एंथ्रीडिया फॉर्मेशन होंगे। फिर एक एयर पोर्स आ गया और एक एयर चैम्बर्स हो गया, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आगे जा कर के एंथ्रीडिया बने हुए हैं। तो ये जो एंथ्रीडिया और एयर चैम्बर्स हैं वो एक तरीके से अल्टरनेट पोजीशन में लगे रहते हैं। और ये एंथ्रीडियोफोर का स्टक है या व्रंथ है जो कि लगभग 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक लंबा पाया जाता है। इसके स्टक की जो स्ट्रक्चर है वो भी मेन थैलस के स्ट्रक्चर जैसा ही सेम होता है। और इन जो लॉब बनी हुई, इस लॉब में जो एंथ्रीडिया है, इन्हीं एंथ्रीडिया में आगे जाकर के ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं इन्हीं में आगे जाकर के एंथ्रीडियम या पुंधानी का निर्माण होगा। प्रत्येक लॉब पर स्पीशीज वाइज अलग अलग लॉब्स पाई जाती, अलग अलग पालियाँ पाई जाती है, तो हर लोब पर जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं या जो वृद्धि बिंदु है वहाँ पर एक पुंधानी का फॉर्मेशन होगा। और ये जो पुंधानी है या एंथ्रीडियम है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। प्रत्येक एंथ्रीडियल चैम्बर में या ये जो एंथ्रीडिया दिखा रखा है इसके अंदर एक एंथ्रीडिया या पुंधानी का, एंथ्रीडियम या पुंधानी का निर्माण होना है। और ये एंथ्रीडियल चैम्बर्स एक ऑस्टियोल या पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं, एक पोर पाया जाता है। स्टक की बात करते हैं तो स्टक की जो सेल्स हैं वो स्टोरेज रीजन की जो सेल्स हैं उससे बनी रहती है, जो कि पॉलीगोनल और हेक्सागोनल शेप की होती है। तो संचयी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वैसा स्ट्रक्चर इस स्टक की सेल्स का रहता है। इस स्लाइड में आप एक सिंगल एंथ्रीडियल चैम्बर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो एंड्रोसाइट मदर सेल है वो किस तरीके से इस ओवल शेप एंथ्रीडियल चैम्बर में लगी हुई है। इसकी ओपनिंग एक ओस्टियोल की हेल्प से होती है, एक पोर होता है ओस्टियोल, और एंथ्रीडियल चैम्बर से ये एक स्टक के माध्यम से जुड़ी रहती है। पुंधानी का परिवर्धन कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कैसे होगा? तो जो वेंट्रल सरफेस है उसकी एपिकल रीजन वाली जो सेल्स हैं उन सेल में जो एपिकल नोच है वहाँ पर एक कोई भी एक सुपरफिशियल सेल जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है, और इसी सेल से आगे जाकर के पुंधानी या एंथीडियम का फॉर्मेशन होगा। अब इस सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे कि नीचे वाली जो सेल है जिसे हम बेजल सेल कहते हैं ये बनती है, और ऊपर की तरफ आउटर सेल बनती है। इस आउटर सेल या प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में फिर से उत्तरोत्तर डिवीजन होते हैं, जिससे कि 4 सेल्स एक क्रम में बन जाती हैं। नीचे की जो 2 सेल्स हैं उन सेल से
उन्हें हम स्टक सेल या व्रंत कोशिका कहते हैं। इन दोनों सेल से आगे जाकर के स्टक का निर्माण होगा। अपर रीजन वाली जो दो सेल्स बची हैं, इन दोनों सेल में दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे कि टोटल चार कोशिकाओं के दो टीयर्स या दो सोपान बन जाते हैं। तो चार चार सेल्स के दो रोज बन जाती हैं। इस प्रकार टोटल आठ सेल्स बन जाएंगी। इन आठों सेल में फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इस पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होगा, जो बाहर के जो आठ सेल हैं, वो सेल्स स्टराइल हो जाएगी, बंद हो जाती हैं, और इन सेल को हम प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं। जो बाहर की जो चारों आठों सेल्स बनी हैं, उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी जैकेट सेल्स। इन प्राइमरी जैकेट सेल में आगे जाकर के फिर से डिवीजन होते हैं, जिससे कि एक कोशिकीय मोटा पुंधानिका जैकेट फॉर्मेशन होता है। अंदर की जो आठों सेल्स बची हैं, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स फर्टाइल होती है। इन सेल में जनन करने की क्षमता होती है, और इन आठों सेल में उत्तरोत्तर डिवीजन होते रहते हैं, लगातार डिवीजन होते रहते हैं, जिससे कि घनाकार शेप या क्यूबिकल शेप की सेल्स बन जाती हैं, जिन्हें हम एंड्रोसाइट मदर सेल या पूमणु मात्र कोशिकाएं कहेंगे। अब ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल है, इस एंड्रोसाइट मदर सेल में डिवीजन होता है, एक तिरछा डिवीजन होता है, जिससे कि एक एंड्रोसाइट मदर सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और ये प्रत्येक सेल एक मेल गैमिट का निर्माण करेगी, जिसे हम एंथीरोजोइट या मेल गैमिट कहेंगे, नर युग्मक या पुंगड़ु। तो एक एंड्रोसाइट मदर सेल में तिरछा डिवीजन हो रहा है, जिससे कि दो सेल्स बन रही हैं, और ये दोनों सेल्स कितने पुंगड़ु बनाएंगे, दो मेल गैमिट या दो पुंगड़ुओं का निर्माण करेगी। मार्किंशिया में एंथ्रीडियोफोर या पुंधानीधर जो एपिकल नोच होती है, वहाँ से इरेक्ट यानी कि वहाँ से बिल्कुल सीधा सा डेवलप होता है, और इसमें एक लंबा स्टक या व्रंथ पाया जाता है, जो कि एक से लेकर की 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इस एंथ्रीडियोफोर का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, टिप है, वो फ्लैटेंड होता है और 8 लॉब्ड में डिवाइडेड रहता है, 8 पालियां इसमें पाई जाती हैं। ये मार्जिन्स पर या किनारों पर पतला होता है, लेकिन जो जो हम इसके सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ये थिक और मोटा होता जाता है। एंथ्रीडियोफोर पर जो लॉब्स पाई जाती है या जो पालियां पाई जाती हैं, वो किसी उसके स्पीशीज को भी डिफाइन करती है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर्स ऑफ लॉब्स पाई जाती हैं। इस एंथ्रीडियोफोर की जो ऊपर की लॉब्स है, वहाँ पर एंथ्रीडियल चैम्बर्स के साथ में एयर चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं, ये इन चैम्बर्स में फ्लास्क के आकार की कैविटीज पाई जाती हैं, और आगे जाकर के इन्हीं कैविटीज में एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होना होता है। इन्हीं कैविटीज में एक्रोपिटल मैनर्स में या एक्रोपिटल ऑर्डर में एंथीडियल फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक जो मैच्योर एंथीडियम है, उस एंथीडियम में एक शॉर्ट स्टक होता है, छोटा व्रंथ होता है, और इसकी बॉडी जो पूरी है वो ग्लोबुलर शेप की गोलाकार बॉडी रहती है, और इस एंथीडियम के चारों तरफ सिंगल लेयर थिन वॉल्ड सेल का स्टराइल जैकेट पाया जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। यह स्टराइल जैकेट का पाया जाना ब्रायोफाइट का मेन कैरेक्टर है, लाक्षणिक गुण है, और इस एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट्स एनक्लोज रहते हैं, भरे रहते हैं, और जब एंथ्रीडियम में डाइसेंस होगा, तो ये एंड्रोसाइट्स बाहर आ जाएंगे, और इन एंड्रोसाइट से बाइफ्लेजिलेटेड एंथीरोजोइट का निर्माण होगा। यहाँ हम देखते हैं कि एंड्रोसाइट मदर सेल से कैसे
पोमड़ू या एंथर का निर्माण हो रहा है, तो ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल है, यहाँ देखिए एंड्रोसाइट मदर सेल में डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने से एक एंड्रोसाइट मदर सेल में ये तिरछा डिवीजन हो गया, जिससे कि दो कोशिकाएं बन गई हैं, जिन्हें हम एंड्रोसाइट, ये जो डिवाइडिंग एंड्रोसाइट मदर सेल है, इससे दो कोशिकाएं बन गई हैं। इस जो तिरछी सेल है, इस सेल के टिप पर जो तिकोना सिरा है, यहाँ पर एक ब्लिफेरोप्लास्ट बन जाता है। इस ब्लिफेरोप्लास्ट से आगे जा कर के दो कशाभिका का निर्माण होगा, दो फ्लेजिला बन जाएंगी, और नीचे की तरफ यहाँ पर इसका मेल न्यूक्लियस रहता है। अब धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, जिससे कि ये जो दोनों फ्लेजिला है वो बहुत लंबी आकार में बड़ी हो जाती हैं, और लंबी हो जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस न्यूक्लियस के साथ ही इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक वेसिकल के रूप में, मेल गैमिट का साइटोप्लाज्म एक वेसिकल के रूप में इस तरीके से यहाँ पर लगा रहता है। तो ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। अब जब ये एंथिरोजोइड्स या पुमड़ू मेच्योर हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो ऑस्टियोल वाला रीजन है चैम्बर का, एंथीडियम चैम्बर का, उसके अंदर कुछ वाटर चला जाता है, वहाँ पर पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे कि वहाँ की जो जैकेट सेल्स हैं वो जैकेट सेल्स वाटर एब्जॉर्व करके टूटने लगती हैं, और ये ऑस्टियोल वाला जो पोर्शन है वो पोर बड़ा हो जाता है, और ये जो मैच्योर स्पोर्स हैं या मैच्योर एंथिरोजोइड्स हैं, ये एंथिरोजोइड्स वाटर से बाहर रिलीज हो जाते हैं, एनवायरमेंट में आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए।